1994 दिल्ली में चार विदेशियों का किडनैप। 9/11 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। 2002 में विदेशी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या। और फिर 26/11 मुंबई अटैक। इन सब हमलों के पीछे एक आतंकी, उमर शहीद शेख। हर्षल मेहता अपनी फिल्म ओमाइट के जरिए इस आतंकी की कहानी दिखा रहे हैं। आतंकी उमर शहीद शेख के रोल में राजकुमार राव ने एक बार फिर बता दिया है कि एक्टिंग में वो सबसे एक पैर आगे ही हैं। ओमाइट, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है शांत माफिया कोड, कैसे एक ब्रिटेन में रहने वाला स्टूडेंट खतरनाक आतंकी बनकर कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है, ये इस फिल्म में बताया है। आतंकी उमर सईद 1994 में भारत की राजधानी दिल्ली में था, जिसने अपना नाम बदलकर रोहित रख लिया था। 1994 में इसने चार विदेशियों का किडनैप किया था, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन 1999 में जब भारत के प्लेन को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया, तब आतंकियों की डिमांड पर इसे छोड़ दिया गया। 2002 में उमर ने एक विदेशी जर्नलिस्ट डेनियल पर्ल की हत्या कर दी। उसके बाद 26/11 अटैक में भी इसका नाम आया। हर्षल मेहता ने ओमल्टा के जरिए पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश की है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लगता है कि एक्टर और डायरेक्टर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल ओमल्टा 20 अप्रैल को रिलीज हो रही है। आप इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट के जरिए बताइए, और टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।